अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आपको इस चैनल पे भी व्लॉग देखने को मिल रहा है। इंशाल्लाह 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 इस चैनल पे आपको अब व्लॉग देखने को मिला करेंगे, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी डेली नहीं तो हर एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग अपलोड करूँ। तो ये मैंने शामी कबाब बनाए थे, तो हमारे घर आना था गेस्ट ने, तो फिर मैंने ये शामी कबाब बनाए थे। और इसकी जो रेसिपी अगर आप लोग चाहेंगे तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। और ये मैंने चॉपर में नहीं इसको किया था, हम तो उसको दोरी डंडा कहते हैं, मैंने उसमें इसको कूटा था। तो ये मैंने शामी कबाब बनाया मेहमानों के लिए। उसके बाद मैं गई थी अम्मी के साथ बाज़ार, तो मैंने कहा चले आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ। लेकिन मेरा जो चैनल है आसमा लतीफ़, अगर आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप लोग मेरे उस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ हैं तो मैं उसी चैनल पे पोस्ट करती हूँ। यहाँ आपको सिर्फ व्लॉग्स मिला करेंगे। तो लेकिन मैंने उस चैनल पे अपने बहुत ज़्यादा व्लॉग्स अपलोड किए हुए हैं पहले ही। मैं काफ़ी दफ़ा मार्केट गई हूँ, तो इसलिए मैं मार्केट की मैंने थोड़ी सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई मैंने। मतलब जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन मैं आप लोगों को एट दी एंड मैं आप लोगों को व्लॉग में आगे जाके शॉपिंग दिखा दूँगी। मुझे बस ये होता है कि आप लोग ना बोर ना हो जाए, तो इसलिए। बाकी हम ये कपड़े की शॉप में आए थे, तो हमने एक ड्रेस लिया है। ये जो आप ब्लू कलर का ड्रेस देख रहे हैं ना, सेम ऐसा पिंक कलर का है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो में। और फिर हम ये ले रहे थे, ये मैक्रोनी लेनी थी, क्योंकि एक दफ़ा ट्राई की थी तो ये काफ़ी अच्छी बनी थी, तो मैक्रोनी ली थी। उसके बाद अम्मी ने चने लेने थे, और मैंने ये कूटी हुई जो है ना, ये लाल मिर्च, ये भी ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जब चिकन को मैरिनेट करो या वैसे ही अंडे में डालो, अंडा बनाते हुए जब आप उसमें डालो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती है। तो फिर ये ली थी। उसके बाद अम्मी ने चने लिए और दालें ली, और उसके बाद ये जो है मैक्रोनी थी ये ले ली। बाकी जो है आप लोग ये बताएं कि आप लोगों का दिन कैसे गुजरा, सर्दियाँ कैसी जा रही हैं। आज है ये जो मैं अब ये मैं बाज़ार गई थी वेडनेसडे को, और यकीन करें मैंने आज छुट्टी की थी क्योंकि गेस्ट ने आना था। तो और आज सारा दिन मेरा बिजी गुजरा है। और ये मैंने अपने लिए रात को बनाई थी चिकन विंग्स देसी घी में, और साथ में ये सैलड बनाया था। तो ये वो ड्रेस है, आपने ब्लू कलर में वहाँ शॉप पे देख लिया होगा। तो ये ड्रेस है जो पिंक कलर में हमने लिया है, तो मैंने लिया है, अब मतलब मुझे अम्मी ने लेके दिया है मेरे लिए, तो आप लोग देख लें। इसमें मतलब फोर पीस कह लेंगे, मतलब पैचेस वगैरह भी हैं, और आप कलर देखिए कितना प्यारा। मैं आप लोगों को ना अभी फ्लैश ऑन करके भी दिखाती हूँ, तो मुझे कलर बहुत प्यारा लगा था। मेरे पास शॉकिंग विंग वैसे वेलवेट में भी है, तो लेकिन फिर मैंने कहा नहीं ये लीलन में है, इसका जो स्टफ़ है ना वो लीलन का स्टफ़ है। तो इसमें मतलब पैचेज़ हैं, बाजू अलग से हैं, जो इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र वैसे मुझे इसका कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, मतलब स्किन कलर का, स्किन भी नहीं पीच कलर का कह लें, लेकिन वैसे बिल्कुल बहुत प्यारा है। तो मेरा है कि मैं सिलवाऊंगी भी ना इसी तरह का, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ये हो गया। उसके बाद मैं अपनी कुछ प्रोडक्ट्स लाई थी, जो कि ये नेक्स्टन कंपनी, आई थिंक सो नेक्स्टन, हाँ जी नेक्स्टन या नेक्स्ट ऑन, नेक्स्टन ही होगी क्योंकि वो जो भाई थे वो नेक्स्टन बोल रहे थे। तो ये मैं क्रीम लाई हूँ, फेयरनेस सॉफ्ट क्रीम, और यकीन करें इसका टेक्सचर इतना क्रीमी है, और थोड़ी सी लगती है और चिपचिप भी, जैसे बहुत सारी क्रीम्स होती हैं या लोशंस होते हैं वो लगाओ तो वो चिपचिप करना हाथों में, मतलब चिपचिप होती है, गर्मी फील होती है, इसको लगाने से बिल्कुल नहीं हुई, हालाँकि बिल्कुल नया ब्रांड है। और ये मैंने लोशन लिया है अपने बैग में रखने के लिए, इसमें काफ़ी सारे आते हैं। ये मैंने जो लिया ये मैंने फेयरनेस वाला लिया, जो कि मैं रिटर्न कर आऊँगी। इसमें आपको एक मिलेगा एलोवेरा वाला, दूसरा था हनी वाला, और तीसरा था कोको वाला। तो मैं मेरा जो है ना वो मेरा है हनी वाला लूँगी, ये मैं फेयरनेस वाला ना जो है वो वापस कराऊँगी। और बाकी ये मैंने जो है जॉनसन्स की मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी ली है, मैंने बहुत जगह इसके रिव्यूज़ सुने हैं कि मतलब ये अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम है, तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा इसको ट्राई करके देख लेते हैं। और काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी बड़ा जार है इसका, जिसका ये टब है ये काफ़ी बड़ा है, और ये मुझे मिली है 400 में। इसका जो डिटेल रिव्यू अगर आप लोगों को चाहिएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा, तो मैं अपने आसमा लतीफ़ वाले चैनल जो है ना उस पे आप लोगों को इसका रिव्यू आपको बताया, आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए। मेड इन UAE है, और 400 की थी ये।
और उसने 1 रुपया कम नहीं किया, 400 की कहा था तो 400 की ही दिए। बाकी वो ये कह रहा था कि इसमें ना एक डार्क पिंक लिड वाली आती है, मतलब उसका ढक्कन डार्क पिंक होता है, तो वो मत लीजिएगा क्योंकि वो जो है वो फेक होती है। अब अल्लाह जाने। बाकी ये मेरे पास लेंस आए थे, एक PR पैकेज आया था मुझे, एक इंस्टाग्राम स्टोर है ब्लू आइज़, उन्होंने मुझे ये सेंड किए थे, और यकीन करेंगे इतने अफोर्डेबल हैं, हालांकि मुझे ये PR आए हैं, PR पैकेज आया है, लेकिन आप यकीन करिए इतने अफोर्डेबल लेंस हैं और ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप चूज़ कर सकते हो। इंशाल्लाह इसका रिव्यू भी मैं आप लोगों को जल्द दूंगी, मैं इवन के लगा के भी दिखाऊंगी। तो मैंने, उन्होंने मुझे ऑप्शन दी थी कि आप चूज़ कर लें, तो मैंने किए थे एक हेज़ल और दूसरा किया था ब्राउन। ब्राउन तो सेम ऐसे जैसे मेरी अपनी आँखों का कलर हो, तो ब्राउन वो हो गया, ये जैसे ये देख रहे हैं, और ये लग के बिल्कुल आपकी अपनी आँखों का कलर हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि आपने लेंस लगाए हुए हैं। और जो हेज़ल है वो बहुत ज़्यादा हनी का कलर देता है और बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। बाकी ये वाला जो ड्रेस है, ये लो मतलब मेरे आसमलती वाला जो चैनल है, दूसरा चैनल, उस पर आप लोग देख चुके थे कि मैंने ये ड्रेस श्रिंक किया था, और मैंने पूछा था कि मैं कैसा सिलवाऊँ, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इस तरह। उनमें से एक किसी सिस्टर ने कहा था कि आप ना अंगरखा स्टाइल सिलवा लें, तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने जिस तरह अंगरखा स्टाइल सिलवाना है ना, तो मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पे उसकी पिक्चर भी लगा दूंगी। और ये डोरी मैं लेके आई थी अंगरखा स्टाइल के लिए, बाकी मैं अभी पिक्चर लगा दूंगी, तो आप लोगों को ना आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी मैं किस तरह का कह रही हूँ। तो बस ये थी आज की शॉपिंग सारी, ये चीज़ें नहीं हैं, बाकी इंशाल्लाह इन चीज़ों के रिव्यू करूँगी। और मुझे ये बताएं आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो मेरी तरह करता है कि एक चीज़ ले आए वहाँ के, हाँ ठीक है, उसके बाद घर आके कहते हैं नहीं ये तो अच्छी नहीं है, मैं रिटर्न करके आऊँगी। मैं ये बहुत ज़्यादा करती हूँ हरकत, मुझसे ना चाहते हुए भी ना ये हरकत हो ही जाती है, मैं नहीं भी चाहती तो फिर भी ये हरकत हो जाती है। मुझे वहाँ फेयरनेस वाला, हालांकि जो दूसरे हैं ना वो मॉइस्चराइजिंग वाले थे, मैंने कहा नहीं मुझे ये फेयरनेस वाला देना, तो अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे मॉइस्चराइजिंग वाला लाना चाहिए था। बाकी ये मैं अपनी जर्सी लाई थी पोंचो स्टाइल जो आजकल चली हुई है, और यकीन करें हर जगह पे ना रेट मुख्तलिफ है, हर किसी ने अपना रेट लगाया हुआ, कोई सस्ती दे रहा कोई महंगी दे रहा, स्टफ़ दोनों सबके पास एक है। इसी में ना एक स्टफ़ था पर वो मोटा स्टफ़ नहीं था, वो मिल रहा था 600 में। ये जो भावलपुर के लोग हैं, ये मैंने ट्रेड सेंटर से ली है, और ये मैंने ली है 1000 की, ठीक है, और 1000 की दे रहा था, तो मैंने कहा कम करें, तो वो सिर्फ 900 तक आया था, और उसने इससे ज़्यादा कम नहीं की थी, मैंने कहा ठीक है। और माशाल्लाह गर्म बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, मुझे ज़रूर इस वीडियो को मेरी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।